नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। देश के चार धामों में श्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर सबसे अधिक श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। यहां बाबा बद्री के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बद्रीनाथ धाम गए हैं तो आप वहां पर और किन किन जगहों पर जाकर घूम सकते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में घूमने और दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ मंदिर के अलावा कौन कौन सी मुख्य जगह है, एक एक करके आपको आज हम बताने वाले हैं। श्रद्धालु अक्सर हम देखते हैं कि बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस जाते हैं, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु देश के अंतिम गांव माना और आसपास भी जाते हैं। लेकिन अधिकतर श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम सहित माना और यहां के आसपास के तीर्थाटन का पता नहीं होता है, जिन्हें आज हम बद्रीनाथ से लेकर स्वर्गारोहिणी तक एक एक जगह का विस्तार से बताने वाले हैं। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बाद बद्रीनाथ धाम में अनेकों जगह ऐसी हैं जहां श्रद्धालु नहीं पहुंच पाते हैं या उन्हें जानकारी नहीं होती है, ऐसे में जबकि ये महज बद्रीनाथ से 500 मीटर ही दूर होते हैं। जय बद्री विशाल, बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री विशाल के दर्शन के उपरांत यहां दिव्य तीर्थ स्थल का दर्शन यात्रीगण कर सकते हैं। बद्री विशाल से आगे माता मूर्ति मंदिर है, केशव प्रयाग, वसुधारा, लक्ष्मी वन, चक्र तीरथ, सतोपंत कुंड और आगे स्वर्गारोहणी का दर्शन कर सकते हैं। जय बद्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीला ढूंगी की। लीला ढूंगी बद्रीनाथ मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर एक पत्थर है। कहते हैं बद्रीनाथ भगवान शिव का स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु को ये स्थान पसंद आ गया था। लेकिन कैसे यहां विराजमान हो सकते थे, जिसके लिए विष्णु ने बच्चे का रूप रखकर इसी पत्थर पर बैठ गए। कड़ाके की ठंड को देखकर माँ पार्वती उन्हें उठाकर मंदिर में बैठा गई, जिसके बाद बद्रीनाथ विष्णु का स्थान हो गया। तो आप यहां पर इसके दर्शन भी करने जा सकते हैं। अब लीला ढूंगी से कुछ ही दूरी पर चरण पादुका है, जो कि एक पत्थर पर है। इसमें भगवान के पैरों के निशान मिलते हैं, तो आप यहां पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप शेष नेत्र झील भी जा सकते हैं। ये झील बद्रीनाथ से माना जाते हुए रास्ते में पड़ती है। कहते हैं इस झील में शेष नेत्र जी के आंसू हर समय टपकते रहते हैं, जो साक्षात देखने को यहाँ मिलते हैं। तो आप भी यहाँ पर जाकर इस नजारे को देख पाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक और गांव पड़ता है, जिसका नाम है बामनी गांव। इस गांव में जाकर आप मानंदा देवी मंदिर और उर्वशी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ के बाद कहां जाएं, तो यहां पर मौजूद है देश का अंतिम गांव माना, जो कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर्यटक आते हैं और पर्यटन करने पहुंचते हैं तो देश की अंतिम चाय की दुकान की चुस्की जरूर लेते हैं। वही धार्मिक दृष्टि से माना को मणिभद्रपुरम कहा जाता है। ये वही गांव है जहां महाभारत की रचना हुई थी। वेदव्यास जी ने महाभारत बोली और गणेश जी ने लिखी थी। और यहां सरस्वती का उद्गम भी देखने को मिलता है। माना में देखने और दर्शन करने के लिए कई सारी मुख्य जगह है, वो आपको बताते हैं। पहले माना गांव ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जहां ये देश का अंतिम गांव है, तो वहीं इस गांव की बनावट और यहां के लोग वेशभूषा हर किसी को पसंद आती है। यहां गणेश गुफा भी जाकर आप देख सकते हैं। कहते हैं इसी गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की गई थी और आज भी वहां पर ये गुफा मौजूद है। यहां पर व्यास पोथी भी मौजूद है, जो आप माना पहुंचने के बाद यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा भारत की अंतिम चाय की दुकान यहां पर है और ये व्यास गुफा के बगल में मौजूद है। भारत की अंतिम चाय की दुकान, जो कि भारत चीन सीमा पर वर्षों से मौजूद है और इसी को भारत के अंतिम चाय की दुकान कहा जाता है। ज्यादातर बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु और पर्यटक माना पहुंचकर ही चाय की इस दुकान को ढूंढते हैं, जो व्यास गुफा के बगल में मौजूद है। अब यहां से आगे भारत चीन सीमा की तरफ बात करें तो यहां पर मौजूद है मुचकुंद गुफा। हालांकि यहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिशन की जरूरत पड़ेगी, इस कारण यहां तक श्रद्धालु और पर्यटक नहीं जा पाते हैं। अगर किसी को जाना हो तो प्रशासन से अनुमति लेकर आप मुचकुंद गुफा के दर्शन भी करने जा सकते हैं। अब व्यास गुफा के बाद सबसे पहले आप पहुंचते हैं भीमपुल, जो कि सरस्वती नदी के उद्गम पर बना हुआ है। तो यहां पर आपको सरस्वती नदी और भीमपुल पर दोनों ही दिखाई देते हैं। कहते हैं महाभारत के बाद स्वर्ग जाने के दौरान पांडवों के द्वारा द्रौपदी रास्ते को पार नहीं कर पाई थी, तब भीम के द्वारा यहां सरस्वती के ऊपर चट्टान रखकर रास्ता बनाया गया था, तो इसे भीमपुल कहते हैं। यहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में सरस्वती नदी दिखाई देती है। सिर्फ 1 किलोमीटर में इसलिए दिखाई देती है क्योंकि महाभारत की रचना के दौरान वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी को श्रापित कर दिया था। माना में मौजूद केशव प्रयाग तक ही सरस्वती नदी देखने को मिलती है।
अब अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो भीमपुल से आगे का जो पूरा सफर है स्वर्गारोहणी तक का, तो आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है और 3 दिनों का ये रास्ता होता है। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो आप वसुधारा तक जा सकते हैं। माना भीमपुल से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर सबसे पहले लक्ष्मी वन आता है। कहते हैं महाभारत के बाद जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो द्रौपदी ने यहीं पर सबसे पहले प्राण त्यागे थे। माना से 5 किलोमीटर पैदल चलने पर वसुधारा दूर से ही पहाड़ी से गिरते जल की धारा दिखाई देती है और इस जलधारा की अपनी विशेष महत्वता है। कहते जो इंसान पापी होता है उस पर इस रास्ते में चलने पर दूर से ही इस पानी की बौछार के छींटे पड़ जाते हैं। किंवदंती ऐसी वसुधारा के लिए कही जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में समय श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। हर कोई इस आस में रहता है कि उस पर इस धारा के जल दूर से ही गिर जाएं। मेरा नाम सुमेश पवार है। भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन के अलावा अन्य जो तीर्थ है, यहाँ बामड़ी गाँव है। बामड़ी गाँव में सर्वप्रथम भगवान श्री बद्री विशाल जी का बाल स्वरूप लीला ढूंगी एक स्थान है, दिव्य स्थान। उसके दर्शन भी तीर्थयात्री कर सकते हैं। साथ में माँ पार्वती जी का जो स्वरूप है, माँ नंदा जी का स्वरूप साक्षात विराजमान है और माँ उर्वशी जी जो कि साक्षात भगवान श्री विष्णु जी के जंगे से उत्पन्न हुई है, उनके भी दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा ट्रैक परपस से आप देखें तो चरण पादुका है, ऋषि गंगा है, बहुत सारे तीर्थ स्थल जो कि यहाँ की जो पवन मंद के साथ सुगंध के साथ इस भगवान बद्री विशाल जी के केदारखंड क्षेत्र को एकदम प्रवाहित करती हुई जाती है, तो बहुत दिव्य स्थानों के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारत के अंतिम गांव माना गांव से लक्ष्मी वन, सहस्रधारा, चक्रतीर्थ, सतोपंत से स्वर्गारोहणी की यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत दिव्य दर्शन सतोपंत के आप कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। माना से 23 किलोमीटर ट्रैक के बाद आता है सतोपंत, जो कि बहुत ही लंबा पैदल ट्रैक होता है। दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ता है। सतोपंत में एक सरोवर है, कहते हैं कि ये तुकुना सरोवर है और ये पर्व त्योहार के दौरान इस सरोवर में ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करने आते हैं। हालांकि जिन्हें जानकारी होती है वो यहाँ भी पर्व पर पहुंचकर स्नान करते हैं। सैकड़ों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। और सतोपंत से आगे स्वर्गारोहणी कुछ ही दूरी पर मौजूद है। स्वर्गारोहणी वो स्थान है जहाँ पर खुद इंद्र युधिष्ठिर को लेने के लिए अपने विमान से पहुंचे थे और युधिष्ठिर यहाँ से सशरीर स्वर्ग हो गए थे। तो बद्रीनाथ यात्रा की धाम की जो यात्रा के साथ साथ आप जो है इन जगहों पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में आप इन जगहों पर भी जाना ना भूलें, जिनका धार्मिक, पौराणिक और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्व है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी कमी हो जाती है, तो आप डॉक्टर का परामर्श जरूर यहाँ पर ले लें। तो ये थी बद्रीनाथ से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट।